हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर विधायक जैन के राज्य में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोनीत होने पर अभिनंदन समारोह आयोजित। बाड़मेर शिक्षक संघ सियाराम द्वारा श्री मेवाराम जैन के राज्य में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोनीत होने पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। पुरानी पेंशन बहाली पर राज्य सरकार को मेवाराम जैन का किया धन्यवाद ज्ञापित। 51 किलो की माला पहनाकर किया स्वागत और अभिनंदन पत्र किया भेंट। जिले भर से शिक्षक संघ सियाराम से जुड़े शिक्षक रहे उपस्थित। बाड़मेर 20 मार्च राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम द्वारा राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक मेवाराम जैन को राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोनीत होने एवं राज्य कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन बहाली पर स्थानीय मुलांतमल भीकचंद छाजेड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी चौक बाड़मेर में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रवक्ता दामोदर आचार्य ने बताया कि राज्य सरकार ने कर्मचारी हितों के मद्देनजर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन बहाली का जो निर्णय लिया है उसके हम सभी कर्मचारी ऋणी हैं, जिसको लागू करवाने हेतु संगठन द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर व्यापक रूप से आंदोलन किया गया था, जिसके तहत समस्त जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन एवं घेराव के माध्यम से संगठन की प्रमुख मांग राज्य सरकार तक पहुंचाई, जिस पर राज्य ने जनहितैषी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2022 में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की, जिसके उचित तरीके से पैरवी करने हेतु एवं जनहितकारी कार्यों में इतिहास रचने वाले बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन को राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत करने पर शिक्षक संघ सियाराम जिला शिक्षा प्रमुख जिला शाखा बाड़मेर द्वारा विधायक मेवाराम जैन को 51 किलो फूलों की माला पहनाकर अभिनंदन किया गया तथा विधायक के सम्मान में संगठन की प्रदेश महिला मंत्री मीना मंसूरिया द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट कर संगठन की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष छगन सिंह लूनू द्वारा बाड़मेर पट्टू ओढ़ाकर बहुमान किया गया तथा संगठन की महिला शक्ति एवं जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों द्वारा 51 किलो की फूल माला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर संगठन के जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों सहित संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला संरक्षक कमल सिंह रानी गांव सैनी दान चारण बाबूराम ब्रजवाल गुलाब सिंह राठौड़ महिपाल सिंह चुली हरि सिंह महेचा मदन सिंह चुली बन्ने सिंह आंटा संतोष गौड़ देवेंद्र अवस्थी जेटू दान देवल हमीरा राम कोड़ेचा दुर्जन सिंह सोड़ा मेहर सिंह राजपुरोहित रायमल सिंह कोटड़ा कल्याण सिंह राजपुरोहित अभय सिंह रेणाना महेंद्र जैन जितेंद्र दवे मगराज जांगीर गणपत गौड़ जगदीश नाई ओम प्रकाश लखारा राजकमल सावरिया दिनेश सोलंकी निर्मल अवस्थी तनिराज सिंह खारा रणछोड़ सिंह शेर सिंह सुमेर सिंह भादरेस मनोहर सिंह भुरटिया जेपी शारदा पवन शर्मा केवल पुनड मुकेश व्यास गोविंद शर्मा फतेह सिंह माधव सिंह ललित जांगिड गोपाल गर्ग संपत जैन रसीद खां गौरी गजेंद्र सिंह जगदीश सोनी फरज सिंह सवाई सिंह रामलाल बेनीवाल मोटाराम चौधरी महिला शक्ति से संगीता बेनीवाल लक्ष्मी खत्री ललिता जोशी रश्मि जोशी ममतेश शर्मा ममता डाबी अंजू सोलंकी मधुबाला आढ़ा लक्ष्मी जांगीर सविता स्वामी एवं उषा चौधरी सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।